कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः स्थिति क्यों नहीं मनाया गया। तो सरकार की ऐसी बिहार के गया जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। इस दौरान मंच पर जेडीयू के एक नेता जी ने अपना भाषण शुरू किया। भाषण में उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया। जैसे ही उन्होंने राम मंदिर की चर्चा की, देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में पूरा मंच धड़ाम से गिर पड़ा। इस दौरान मंच पर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अली अनवर अंसारी भी बैठे थे। मंच गिरने से स्थानीय नेताओं के साथ वो भी चोटिल हो गए। हालांकि बाद में दूसरा मंच बनाया गया और कार्यक्रम संपन्न किया गया। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला अतरी प्रखंड के डेहुरी गांव का है। यहां पर बीते गुरुवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी की 51वीं पुण्यतिथि पर शोक सभा आयोजित की गई थी। इस दौरान मंच तैयार किया गया और मंच पर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अली अनवर अंसारी, अग्रणी विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव समेत अन्य स्थानीय नेता मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेताओं ने अपने विचार रखे। इसी दौरान जेडीयू के प्रखंड प्रवक्ता रामदेव केवटकर को मंच पर बुलाया गया और विचार रखने को कहा गया। रामदेव केवट ने बोलना शुरू किया और उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को क्यों की जा रही है। ये कार्यक्रम वोट लेने के लिए है। अगर ऐसा नहीं है तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन रामचंद्र जी का जन्मदिन है उस दिन क्यों नहीं हो रही है। जैसे ही रामदेव केवट ने मंच पर ये बात बोली, देखते ही देखते पूरा मंच धड़ाम से नीचे गिर गया। मंच के नीचे गिरते ही पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी समेत सभी को चोटें आई। तो जिनके सरकार में हम लोग रह रहे हैं वो सरकार की कूटनीतिक विद्या या सोच क्या है से हर इंसान को ही पता। ये 22 जनवरी को जो है अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, ये दोस्तों सिर्फ वोट लेने का ही सहजासी है। सवाल है दोस्तों कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः स्थिति क्यों नहीं मनाया गया। तो सरकार की ऐसी हालांकि बाद में दूसरा मंच तैयार किया गया और कार्यक्रम में पूरा किया गया। इस कार्यक्रम में अतरी विधायक ने मुसलमानों से आग्रह किया कि जिस दिन वे वोट देने जाएं उस दिन वे खुद को सच्चा मुसलमान समझे। वहीं अली अनवर ने अब्दुल कयूम अंसारी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह सही मायनों में देश हित की सोच रखते थे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इंसाइड लाइव।